हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने किसी भी आईफोन में VN वीडियो एडिटर से आप कैसे वीडियोस को एडिट कर सकते हैं अपने किसी भी आईफोन में, किसी भी ऐस वर्जन में। सो गाइस, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनमें आपको ट्रांजिशन और कई बढ़िया से इफेक्ट आपको मिलेंगे। वो सारे इफेक्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। सो गाइस, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो आज की बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सो गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ताकि आप अपने वीडियोस में इन सभी बढ़िया और बेहतरीन इफेक्ट्स को अपनी वीडियोस में अप्लाई कर सकें। सो गाइस, चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आपने सिंपली अपने आईफोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, यह है VN वीडियो एडिटर। सो गाइस, ये एप्लीकेशन आपको अपने आईफोन में बिल्कुल फ्री मिलती है अपने ऐप स्टोर में। सो गाइस, आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने आईफोन में, सिंपली यहाँ पर प्लस आइकॉन के ऊपर आपने टैप करना है। आपको न्यू प्रोजेक्ट चूज़ करना है और आपको कोई भी वीडियो अपनी निकाल लेनी है जो आपने एडिट करनी है अपने आईफोन में इस सॉफ्टवेयर में। तो गाइज, मैंने एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। आपने सिंपली यहाँ पर इस एरो को क्लिक कर देना है। तो गाइज, आपके सामने अपनी वीडियो ओपन हो चुकी है। तो आपको सिंपली इस लास्ट वाले पार्ट को आपने क्लिक करना है, इसको आपको डिलीट कर देना है। तो गाइज, आपने सिंपली यहाँ पर आपको टैप करना है। इसमें आपको ट्रांजिशन और इफेक्ट्स वगैरह लगाने के लिए इसमें आपको कट लगाने पड़ेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके आपको स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना। आपकी वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो आपने फिर से एक जगह पर आपने कट लगाना है जहाँ पर आपने ट्रांजिशन अपनी अप्लाई करनी है। तो आपने सिंपली फिर से यहाँ पर कट लगाना है और आपने सबसे पहले एक पार्ट को आपने सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर एफएक्स की एक ऑप्शन आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज, इसमें आपको बहुत सी ट्रांजिशन आपको मिल जाती हैं अपनी वीडियो में लगाने के लिए। तो आपने सिंपली यहाँ पर इसे टैप करना, आपकी वीडियो में ट्रांजिशन अप्लाई हो जाती है। तो इसके साथ आपने सिंपली यहाँ पर टिक लगा देनी इसे और आपके एक पार्ट में आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाती है। इसके साथ आपने सभी पार्ट्स में ऐसे आपने करना है, अपनी ट्रांजिशन आपने लगानी है। तो गाइज, आपने सिंपली आप लास्ट में भी लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। तो गाइज, मैंने यहाँ पर लगा दी अपनी ट्रांजिशन। तो सिंपली आपने फिर से ओके कर देना है। वह जैसे अपने सारे पार्ट्स के ऊपर आपने इस वीडियो में ट्रांजिशन अपने इफेक्ट लगाने हैं। आपने सिंपली यहाँ पर इसे बड़ा करके वीडियो को आप देख सकते हैं कैसे आपकी वीडियो चल रही है, कैसे आपके इफेक्ट आपके दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। तो वह जैसे अपने सभी वीडियोज़ में ये ट्रांजिशन और इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। अपने फिल्टर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। तो वैसे आपको यहाँ पर सिनेमेटिक फिल्टर्स आपको मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर में। वैसे आपने सिंपली यहाँ पर इसे ओके कर देना है और आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो गाइज, वेट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 60 FPS की आपको ऑप्शन मिलती है। फोर सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी जिसमें आपने ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह लगाए हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ में अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दे गए बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़।